कुल मिलाकर 11 दल ऐसे हैं इस बैठक में, चार दलों को छोड़ दें 15 दल शामिल हैं, तो 11 दल ऐसे हैं जिनकी कुल सदस्यों की संख्या 24 है। और लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देख लेंगे, पछाड़ देंगे, पटक देंगे, तो बोलने में क्या लगता है? अरे इस बैठक से लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री का कौन दावेदारों का नाम तय करेंगे। नीतीश जी को तो बड़ी उम्मीद थी कि उनका नाम कन्वेनर के रूप में घोषित किया जाएगा, लेकिन कहाँ उनका नाम कन्वेनर के रूप में घोषित किया गया। इसलिए चाहे वो मैनिफेस्टो की बात हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो, 1:1 सीट शेयरिंग की बात हो, केवल अच्छी अच्छी गुड़ी गुड़ी बातें, गोल मटोल बातें, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर हरा देंगे नरेंद्र मोदी को, अगली बैठक का डेट तय हो गया, फिर अगली बैठक फिर एक और डेट तय हो जाएगा। यानी इस तरह की विपक्षी एकता की बैठकों से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, पड़ने वाला है।